नमस्कार, एवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किया ट्वीट, गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना, कहा भारत के लोगों के साथ हमारी गहरी संवेदना। पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक, चीन से एलएसी तनाव पर राजनीतिक दलों से चर्चा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताओं को दी जानकारी। बैठक में एनसीपी से शरद पवार, जेडीयू से नीतीश कुमार, लोजपा से चिराग पासवान के अलावा उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी सहित कुल 17 पार्टी के नेताओं ने की शिरकत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सभी नेता। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा, मॉस्को में चीनी नेताओं से नहीं करेंगे मुलाकात, 22 जून को होंगे रूस के लिए रवाना, नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में होंगे शरीक। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर में 2 स्थानों पर हुई बड़ी कार्रवाई, सेना के 7 मुठभेड़ में 8 आतंकी हुए ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। राज्यसभा की 19 सीटों पर मतदान, 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुआ वोटिंग, 2 प्रदेशों की 5 सीटों पर निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी। राजस्थान विधानसभा में राज्यसभा की 3 सीटों पर हुआ मतदान, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, तो वहीं भाजपा से राजेंद्र गहलोत की जीत। विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने वालों का लगा तांता, कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को दी सभी ने बधाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पहुंचे दिग्गज, सीएम अशोक गहलोत ने डाला वोट, तो वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी किया मतदान। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची विधानसभा, राज्यसभा चुनाव के लिए किया अपने मत का प्रयोग। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में दाखिल की 14 पन्नों की चार्जशीट, तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज हुई चार्जशीट 12 चार्जशीट, तो वहीं दिल्ली हिंसा पर है 2 चार्जशीट, आपके सस्पेंड पार्षद ताहिर हुसैन का नाम भी है शामिल। हरियाणा में एक बार फिर से भूकंप के झटके हुए महसूस, सुबह करीब 5:37 पर झटके हुए महसूस, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.3 हुई दर्ज, हरियाणा का रोहतक रहा भूकंप का केंद्र। अवैध हेजिंग पर एजी का 6 कंपनीज को नोटिस, 6 फार्मों और निदेशकों पर 905 करोड़ रुपए की हेजिंग के लिए कारण बताओ नोटिस किया जारी, साल 2011-12 में महज 3 दिन में अवैध कमाई करने का आरोप, ईडी ने कहा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल से हुआ लेन देन। ई कॉमर्स क्षेत्र में दबदबा बढ़ाने के लिए फ्यूचर ग्रुप में निवेश कर सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर समूह की कुछ इकाइयों में हिस्सेदारी खरीद सकती है मुकेश अंबानी की कंपनी, अमेजन में भी फ्यूचर रिटेलर लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिली बड़ी सफलता, डेडलाइन से 9 महीने पहले ही कर्ज मुक्त हुई कंपनी, 31 मार्च 2021 तक कर्ज चुकाने का था लक्ष्य, पिछले 2 महीने में जुटाए 1.68 लाख करोड़ रुपए। कथावाचक मुरारी बापू को मारने दौड़े बीजेपी नेता पबुआ मानेक, सांसद पूनम आजम ने किया बचाव, मुरारी बापू के श्रीकृष्ण के वंशजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज थे बीजेपी नेता, मुरारी बापू के साथ बीजेपी नेता की बदसलूकी। ऑस्ट्रेलिया में होगा पिंक बॉल टेस्ट मैच, भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा को इस टेस्ट मैच का बेसब्री से इंतजार, इस साल के अंत में होगा ये डे नाइट टेस्ट मैच। अपनी प्रायोजन नीति की समीक्षा के लिए तैयार है बीसीसीआई, आईपीएल के मौजूदा टाइटल प्रायोजक वीवो से करार खत्म करने का नहीं है कोई इरादा, भारत को चीनी कंपनी से हो रही है अच्छी आमदनी। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान की मां का निधन, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले राशिद ने ट्वीट कर साझा की जानकारी, राशिद ने ट्विटर पर लिखा आप मेरा घर थी मां, मेरे पास में घर नहीं था लेकिन आप थी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में पुलिस लगातार उनके करीबियों से कर रही है बयान दर्ज, पुलिस ने 3 और करीबियों के बयान दर्ज किए जिनमें उनके दोस्त पीआर और मैनेजर भी है शामिल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 दिन के बाद ऐलान, खुदकुशी पर बनेगी फिल्म सुसाइड और मर्डर, फिल्म के निर्माता ने सोशल मीडिया पर जारी किया फर्स्ट लुक और मोशन पोस्टर। अमिताभ बच्चन ने इंस्टा पर शेयर किए अपने पिता को याद किया, पिता की याद में लिखी एक इमोशनल पोस्ट, कहा बाबूजी ने सिखाया था मन अच्छा हो तो मन ना हो तो ज्यादा अच्छा। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 85 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो वहीं 4,56,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान, तो वहीं 45 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ।
भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,80,000 के पार। अब तक 12,573 लोगों की मौत, वहीं 2,00,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। यूपी में गारमेंट हब बनाने की तैयारी में जुटी सरकार। उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रस्तुतिकरण तैयार। जेवर और एयरपोर्ट के आसपास बनाए जाएंगे गारमेंट पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की हर संभव कोशिश। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी। लगातार 13वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। जयपुर में पेट्रोल की कीमत हुई 85.40 रुपये, तो डीजल पहुंचा 77.93 रुपये प्रति लीटर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 50वें जन्मदिन के अवसर पर भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों ने किए कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित। इससे पहले उन्होंने चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों के लिए रखा 2 मिनट का मौन। अजमेर में भी राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर चिकित्सकों और अधिकारियों का किया साफा पहनाकर सम्मान। शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया, राहुल गांधी के जन्मदिन पर हमने एक खास पहल के रूप में मनाया। उत्तर भारत में गर्मी के रूप में बरसी आग। दिल्ली का तापमान राजस्थान से भी ज्यादा। राजस्थान का अधिकतम तापमान रहा 46.1 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है मानसून। गर्म हवाओं से तप रहा राजस्थान। राज्य के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री रहा, तो वहीं राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लू चलने की संभावना। कोरोना को लेकर देवली में चिकित्सा विभाग का अभियान जारी। देवली में लिए कोरोना के रैंडम सैंपल्स, 500 से 700 रैंडम सैंपल देने का रखा गया है लक्ष्य। जोधपुर में रेस्टोरेंट संचालक की दबंगई का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले कर्मचारी की सैलरी उसने मांगी, तो संचालक ने उसे पालतू कुत्ते से कटवाया। इस मामले में महामंदिर थाने में मामला हुआ दर्ज। भारत चीन विवाद को लेकर लोगों में आक्रोश जारी। दौसा के लालसोट स्थित मंडावरी गांव में ग्रामीणों ने किया चीनी उत्पादों का बहिष्कार। चीनी राष्ट्रपति का फूका पुतला। जयपुर के कोटपुतली में चीन के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जलाई चीनी सामान की होली। चीनी उत्पादों के बहिष्कार का किया आह्वान। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर निवाई में बजरंग दल के निकाली उन्होंने रैली। रैली में चीन के सामान का बहिष्कार करते हुए चीन का पुतला फूका। अब चाइनीज ऐप डिलीट करने का चलाया जाएगा अभियान। कोटा में गणेश प्रखंड बजरंग दल की ओर से चीन के खिलाफ किया गया प्रदर्शन और चीनी राष्ट्रपति का जलाया गया पुतला। विभाग मंत्री मुकेश जोशी ने बताया, देश में चीन के खिलाफ भारी आक्रोश। भारत चीन सीमा पर उपजे विरोध में बीकानेर में भी हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में निकाली गई रैली। विरोध प्रदर्शन के साथ शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। नाथ संस्कृति सेवा संस्थान ने सौंपा प्रधानमंत्री के नाम आमेर एसडीएफ को ज्ञापन। 5 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग। पूरे प्रदेश में नाथ समाज की ओर से सौंपे गए हैं ज्ञापन। अलवर में लक्ष्मणगढ़ पुलिस की कार्रवाई, एक शातिर गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 4 गौवंश कराए मुक्त, तो वहीं पुलिस ने देशी कट्टा और पिकअप भी की जब्त। श्रीगंगानगर के खरसाना में सरकारी जमीन पर हुआ अतिक्रमण, अवैध तरीके से वसूला जा रहा है जमीन का किराया भी। प्रशासन नहीं ले रहा मामले की फिलहाल कोई सुध। पाली में सिरियारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कार्रवाई के दौरान शराब चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर की सिलिसेट झील में शव मिले से पहली सनसनी। 60 फुट रोड निवासी गिरीश के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा में एक मेडिकल स्टोर पर लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। आग में लाखों रुपए की दवाएं जलकर खाक, करीब 60 से 70 लाख के नुकसान का अनुमान। निवाई में कृषि उपनिदेशक महेश शर्मा ने किया औचक निरीक्षण। दुकानदारों के यहां से बीज के सैंपल लेने पर मचा हड़कंप। जांच के लिए भेजे जाएंगे सभी सैंपल। जालौर के साचौर में आसमान से गिरी गोल आकृति की धातु, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा। उनका पिंड मानकर की जा रही है जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 20,000 का इनामी विशाल को लगी गोली। बदमाश से एक बाइक, तमंचा और 4 कारतूस बरामद। यूपी के मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ठगी के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नकली सोने की ईंट बेचकर लोगों से करते थे ठगी। मिर्जापुर में चचेरे भाई ने किया रिश्तों को शर्मसार। 5 वर्षीय नाबालिग बहन के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। यूपी के फरुखाबाद में विक्षिप्त महिला की लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। दिनदहाड़े विक्षिप्त महिला को दबंग युवकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के तीरवा कॉलोनी का मामला।
अजमेर की सिविल लाइन थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पड़ोस में ही रहने वाले युवक पर लगाए आरोप। चूरू में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण। श्रमिकों को कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर दी जानकारी। कहा, सावधानी ही बीमारी से बचाव का फिलहाल उपाय। अजमेर रेलवे स्टेशन के व्यापारियों ने भारतीय जवानों को दी श्रद्धांजलि। चीन के सामान का बहिष्कार करने का आह्वान किया। सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। अजमेर के सीआरपीएफ परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आगाज। 60,000 से ज्यादा पौधे लगाने की कवायद। प्रकृति को बचाने का लिया संकल्प। अजमेर के बांदनवाड़ा में भिनाए पुलिस की कार्रवाई। 1 करोड़ का डोडा पोस्त बरामद। मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जैविक खाद की आड़ में चल रहा था गौरख धंधा। प्रतापगढ़ में 15 किलो 860 ग्राम अफीम और 371 किलोग्राम डोडा चूरा। मादक पदार्थ की कीमत 35 लाख रुपया की गई। मामले में 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर लड़की के पेट से निकाला बालों का गुच्छा। केश ककुंद बीमारी से पीड़ित थी लड़की। सीएम निशुल्क योजना में किया इलाज। हनुमानगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मनाया गया जन्मदिन। पौधारोपण कर प्रकृति को बचाने का दिया संदेश। लद्दाख में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। भरतपुर के बयाना में बजरी माफिया हुए सक्रिय। धड़ल्ले से किया जा रहा है अवैध खनन। पुलिस ने बजरी से भरे 3 ट्रेलर को किया जब्त। राजसमंद कलेक्टर ने पंचायत समिति के 33 ग्राम पंचायतों का किया निरीक्षण। मनरेगा कार्यों को लेकर लिया फीडबैक। पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए आवासों को भी देखा। बारा के कस्बा थाना क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मिली राहत। तो वहीं किसानों के चेहरे पर भी दिखाई दी खुशी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।